Hey guys, welcome to my channel. So today I'm going to share with you all a salad recipe, which is a complete meal loaded with fibers, low in fat and high in protein. This salad not only looks incredible but also tastes delicious. If you are a vegan or vegetarian and looking for protein-rich recipes in your weight loss journey, then this recipe is for you because it contains lots of protein and fiber and it's a perfect meal for dinner and lunch. So, चलिए बिना देर के start करते हैं salad की recipe. Salad बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा bowl ले लिया है जिसमें मैं add करूँगी छोटी कटोरी boiled chickpeas जिसको हम काबुली भी कहते हैं. तो उसे मैंने एक रात पहले 8 घंटे भिगो दिया था और मैंने उसे बॉईल कर लिया. अब यहाँ ऐड कर रही हूँ 1 ककंबर जिसको मैंने चॉप कर लिया है विद स्किन. अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1/2 कप मूंग स्प्राउट्स जो कि अगेन हाई इन प्रोटीन एंड फाइबर्स होते हैं. स्प्राउट्स बनाना बहुत ही इजी है. आप होल मूंग को 8 से 9 आवर्स तक सोप करके रख दीजिए. उसके बाद कॉटन के कपड़े में बांध के रख दीजिए और हर 4 से 5 घंटे में हल्का हल्का पानी का छिड़काव करते रहिए. इसके बाद मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1/2 चॉप्ड ऑनियंस. अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ टोफू जिसको मैंने पीसेस में कट कर लिए थे एंड रोस्ट कर लिया था विदाउट एनी ऑयल. आप यहाँ टोफू की जगह पनीर भी यूज़ कर सकते हैं. मैं यहाँ पे टोफू यूज़ कर रही हूँ बिकॉज टोफू लेस इन कैलोरी होता है एज़ कम्पेयर टू पनीर. सैलेड को क्रंची बनाने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ रोस्टेड पीनट्स. इट कंटेन्स वेरी हेल्दी फैट एंड प्रोटीन. अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 7 सैलेड टोमेटोज जिसको मैंने 1/2 में कट कर लिया है. अगर आप यहाँ पे नॉर्मल टोमेटोज यूज़ कर रहे हैं तो उसे डीसीडेड करके डालिएगा. अब मैं यहाँ डाल रही हूँ बारीक कटे हुए कोरिएंडर लीव्स जो कि हमारे सैलेड को रिफ्रेशिंग बनाएगा. मैंने यहाँ पे 1 लेमन का जूस लिया है जिसको मैं अब ऐड कर रही हूँ सैलेड में. यह आपके सैलेड को टैंगी बनाएगा. मैंने यहाँ पे 1 चिली लिया है जिसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है. मैं इसको ऐड कर रही हूँ सैलेड में. यह आपके सैलेड को स्पाइसी बनाएगा. सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अब आती है स्पाइसेस की बारी. तो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ पिंक हिमालयन सॉल्ट 1 टीस्पून. आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर सकते हैं. सो एट द एंड मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ 1 टीस्पून फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर. आप यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर भी यूज कर सकते हैं. अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे. और ये देखिए हमारी क्रंची स्पाइसी एंड टैंगी सैलेड बनके तैयार है. प्लीज डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. सो मिलते हैं अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.